क्यों पुलिस को, पुलिस को सिक्योरिटी के लिए है आपके, उसमें आप इंचार्ज हैं, आप इसको गेट बंद करके रखिए, गेट बंद करके रखिए, और जो बिना रिजर्वेशन होगा कोई भी एंट्री यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी ना, कोई आदमी घुसेगा रूम में, और हमने चेक किया और अनावश्यक कोई अनाइन व्यक्ति मिल गया तो हम आपके खिलाफ यही करें, बिल्कुल रजिस्टर करें, यहाँ कोई वो नहीं है, आचार संहिता जारी है, मजाक नहीं है किसी चीज का, कोई भी आदमी गाड़ियाँ निकलवाइए, ये सब गाड़ियाँ बाहर करवाइए, बिल्कुल एक भी गाड़ी नहीं रहेगी और दोबारा दिखनी नहीं चाहिए, किसी ने क्या ताला तोड़ लेगा, ताला तोड़ लेगा क्या, और अभी जो नहीं जाए तो फिर बंद कर दे, जो आएगा भी आए, जिसको अलॉटमेंट होगा उसके लिए भर दरवाजा खोलोगे आप, नहीं तो बिल्कुल गेट बंद, सब में ताला लगा दीजिए, कोई वो नहीं है, अरे रिजर्वेशन वाले उनको आने दे, निकालो ये बाहर, निकलवाए हम गाड़ी बाहर, खुद बोलो, ऐसा पता लगा कि सर्किट हाउस के आसपास काफी भीड़ भाड़ एकत्रित हो रही है, उसी को देख कर चेक करने के लिए हम आए थे, प्रशासनिक तहसीलदार वगैरह भी आए थे, हम लोग चेक करने आए थे, तो अब ये परिषद चूँकि आचार संहिता लगी है और ये शासकीय बिल्डिंग है इसलिए खाली रखा जाएगा, कोई अनाधिक अनाधिकृत तौर से नहीं खड़े होंगे, कल जो इंचार्ज यहाँ सर्किट हाउस हैं उनको मिस्टर निगम है उनको ये बात को बहुत अच्छे समझा दिया गया है कि चूँकि ज़िले में आचार संहिता लागू है तो सर्किट हाउस में जब भी जिसके आवंटित कक्ष हों सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जाए, मेन गेट से किसी भी अनावश्यक गाड़ियां प्रवेश ना की जाए, किसी राजनीतिक दल को कोई यहां कार्यक्रम आयोजित ना करने दिया जाए और पूर्णतः आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए। मैं इस अंचल का हूं और रैगांव में चुनाव है तो हमारा सबका दायित्व बनता है उसमें काम करने का, अभी तो उम्मीदवार तय नहीं हुआ, फिर किसको क्या ड्यूटी लगेगी लोकल वो होगी, और क्योंकि मैं शुरू से स्टार प्रचारक रहा हूँ तो चार जगह चुनाव है, कुछ समय तो वहाँ भी देना पड़ेगा, तो लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसमें भाजपा बहुत घबराई हुई इस चुनाव से, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का ग्राफ जनता के रोष की वजह से